नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इस फैसले को टीम के कप्तान टेम्पा बावुमा और रासी वेंडर डूसन ने सही साबित करके दिखाया। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही और पांचवें ओवर में यानेमन मलान के रूप में टीम का पहला विकेट गिरा और टीम ने 68 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए। लेकिन उसके बाद कप्तान टेम्पा बावुमा और रेसी वेंडर डूसन ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम की वापसी भी कराई। टेम्पा बावुमा और रेसी वेंडर डूसन के बीच 204 रन की साझेदारी ने टीम की अच्छी वापसी कराई और टीम को बड़े टोटल की ओर भी बढ़ाया। इन दोनों के सामने भारतीय गेंदबाज बेअसर नजर आए। टीम के कप्तान टेम्पा बावुमा ने अपना शतक भी पूरा किया और एक कप्तानी पारी खेली। इन दोनों ने वनडे में दूसरी बार शतकीय साझेदारी की है। इससे पहले इन दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय साझेदारी की थी और अपनी टीम को मैच जिताया था। इस मैच में जब बावुमा बल्लेबाजी के लिए उतरे तब अफ्रीका का स्कोर 19 रन था। भारत ने शुरुआती 18 ओवर में 3 विकेट ले लिए थे, लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की और टीम के लिए एक बड़ी साझेदारी बनाई। बावुमा ने टेस्ट सीरीज में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और ये फॉर्म को इस सीरीज में भी बरकरार रख पाए हैं। इस साझेदारी की खास बात यह रही कि इस पारी में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शतक पूरा किया। रेसी वेंडर डूसन ने भी इस मुकाबले में शतकीय पारी खेली और भारत के खिलाफ एक बड़ा टोटल खड़ा करने में अपना पूरा योगदान दिया। रेसी वेंडर डूसन का यह करियर का दूसरा शतक था और इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने पहले वनडे में 297 रन का लक्ष्य भी रखा और अब भारतीय टीम को वापसी करनी है तो कुछ इसी तरीके की बल्लेबाजी भी करनी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।